और यहाँ से आप देखो भाई, व्यू देखो, अलग ही लेवल का यहाँ से व्यू आ रहा है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइज, अब हम लोग पटना से आ चुके हैं अपने शहर में। तो अभी आप देख सकते हैं, हम लोग अभी आए हुए हैं पायलट बाबा धाम। और आज हम आपको सासाराम में जितने भी मंदिर है, फेमस फेमस मंदिर, चाहे छोटा मंदिर हो गया चाहे बड़ा मंदिर हो गया, वो सब आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग हैं पायलट बाबा, थोड़ा सा पायलट बाबा का व्यू दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर त्रिनेत्र गुफा है, वहाँ पर चलेंगे। फिर इसके बाद तारातनी धाम है, वहाँ पर चलेंगे। फिर हम लोग सासाराम में एक जो कि महावीर मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है, आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। गाइस, अभी तो यहाँ पर जो नया कोविड-19 लेकर यहाँ पर जो गाइडलाइंस आया है, न्यू गाइडलाइंस, उसी के चलते आप देख सकते हैं मंदिर तो बंद है अभी, तो आप बाहर से ही देख लीजिए। वैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पायलट बाबा धाम का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, बहुत ही मस्त मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। नगर परिषद भाई, अभी नगर निगम हो चुका है, लेकिन अभी तक बोर्ड यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग SPGN कॉलेज वाले रोड में आ चुके हैं, और थोड़ा सा ही आगे SPGN कॉलेज से थोड़ा सा आगे में ही वो मंदिर है त्रिनेत्र गुफा। गाइज, ये आप देख सकते हो SPGN कॉलेज, हाल मेरा इसी में अभी एडमिशन है। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे थे त्रिनेत्र गुफा की तरफ, और हमको एक रास्ते में बहुत ही अजूबा चीज दिखा है, वो एक घर है, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए भाई साहब, देखिए देखिए इस घर के डिजाइन को, देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है। पीछे में आप देख सकते हैं एक पिलर है सिर्फ, और आप देख सकते हैं। तो गाइज, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं त्रिनेत्र गुफा मंदिर के पास, मतलब ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग नीचे हैं, तो मंदिर के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर गुफा में है, तो वहीं पर अभी हम लोग चलने वाले हैं। और भाई साहब, यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही अशांति वाला जगह है, यहाँ पर आपको आकर बहुत सुकून मिलने वाला है। गाइज, अभी हम दोनों जा रहे हैं, वहाँ पर अंकित है, अंकित भी जा रहा है मेरे साथ, वो भी आया है यहाँ पर, उसको पूजा करना था तो वो पूजा करने के लिए आया है, और ब्लॉग भी बनाने के लिए आया है। उसका एक चैनल है जो कि बाइक से रिलेटेड बनाता है वीडियो, बहुत मस्त मस्त बाइक के बारे में जानकारी देता है, तो वो भी एक ब्लॉग भी बनाता है, देख लो, ये भी अपने काम में लग चुका है ब्लॉगिंग में। भाई साहब, इसका भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई साहब, हालत खराब हो रहा है चढ़ने में, तुम्हारा हालत खराब हो रहा है? पूरा ज्यादा हमारा हालत खराब है। तो गाइज, हालत खराब हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। तो गाइज, काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं सबसे टॉप पहाड़ पर, जहाँ पर यहाँ पर मंदिर है भगवान भोले शंकर का, और भी यहाँ पर मंदिर है जैसे कि दुर्गा माँ का मंदिर हो गया। और यहाँ से आप देखो भाई, व्यू देखो, अलग ही लेवल का यहाँ से व्यू आ रहा है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो पूरा सासाराम, आपको ऊपर चढ़ने के बाद पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा, इधर में आप देख सकते हो शेरशाह सूरी का मकबरा आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये है त्रिनेत्र गुफा, यहाँ का मेन मंदिर भगवान शिव का यहाँ पर शिवलिंग है, जो कि एक गुफा के अंदर है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, ये रहा त्रिनेत्र गुफा, और यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान शिव को, और वहाँ पर आप देख सकते हो नंदी जी है वहाँ पर। ये गुफा बहुत प्राचीन है, इसमें कोई किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक है ये शिवलिंग जो है स्थापित किया हुआ। ये भी शिवलिंग बहुत पुराना है, हम लोग कुछ नहीं जन्म नहीं हुआ। जब भी मैंने आपको यहाँ पर जो SPGN यहाँ पर जो कॉलेज है उसके बगल में यहाँ पर एक पहाड़ है, वहाँ पर मैंने आपको एक त्रिनेत्र गुफा है वो आपको दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम लोग वहीं पर है। तो आपने देखा कि यहाँ का नज़ारा इतना मस्त है, और भगवान का यहाँ पर जो शिवलिंग है गुफा के अंदर है,
और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, नंबर वन एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा सासाराम दिख जा रहा है। गाइस अभी हम लोग है त्रिनेत्र गुफा के नीचे आ चुके हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम तरह का है और यहीं पर एक बाबा रहते हैं, उनका नाम है मोनिया बाबा। मतलब वो अभी तक ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते हैं, यहीं पर रहते हैं, उनका आश्रम है। और चलिए मैं इनको दिखाता हूँ। और ये रहे बाबा जी, मोनिया बाबा हैं, प्रणाम बाबा। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर ऊपर में त्रिनेत्र गुफा है और ठीक इसके बगल में यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर भगवान शनिदेव का यहाँ पर मंदिर है। और अभी आए हैं हम लोग तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग चले लेते हैं, फिर उसके बाद ताराचंडी चला जाए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर शनिदेव महाराज का यहाँ पर मूर्ति है। और भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में तो ताला लगा है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शनि महाराज का तो दिखा दिया, अब हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं ताराचंडी धाम। अभी हम लोग आ चुके हैं माता रक्षणी धाम और ये जगह, ये मंदिर भारत के 52 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और पीछे में आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में जाने का मेन गेट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तो यहाँ पर जो न्यू गाइडलाइन आया है उसी को चलते मंदिर बंद है, तो मैं बाहर से आपका यहाँ का जो ओवरऑल व्यू है मंदिर का वो आपको दिखाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ का बहुत सारे वीडियो भी बना लिया है, वो सब का वीडियो लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। गाइज आप देख लो यहाँ पर कितना खाली है, लेकिन जब यहाँ पर नवरात्र होता है और सावन का दिन आता है ना भाई साहब, यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होता है। अभी तो यहाँ पर खैर यहाँ पर जो मंदिर बंद है उसी को लेके चलते, आप देख सकते हो बहुत यहाँ पर शांति भी है, लेकिन यहाँ पर जब नवरात्र होता है तो शांति नहीं होता है, यहाँ पर बहुत भीड़ होता है। और गाइज ये रहा माता रानी का मेन मंदिर, श्री शक्तिपीठ माता रानी धाम, आप देख सकते हैं इस मंदिर को। तो अभी तो मंदिर खैर बंद है, मैं बाहर से ही आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सामने यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर गेट लगाया गया है ठीक वैसा ही, अंदर में यहाँ पर माँ का प्रतिमा है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैंने आपको माता रानी धाम दिखाया, अभी तो बंद है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर आपको लेके चल रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है साईं बाबा का मंदिर, यह है साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है। एग्जैक्ट जैसा शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है ना, उसी को कॉपी करके यह मंदिर बनाया गया है। मैंने इस मंदिर का फुल वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी तो खैर मंदिर में ताला लगा हुआ है, यहाँ पर तो खुला है लेकिन अंदर में बंद है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको आगे और भी मंदिर, बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि हनुमान जी का हो गया, महावीर मंदिर, वहां पर आपको लेकर चलते हैं। और गाइस यहां पर आप देख सकते हो यहां पर गौरक्षी में माँ दुर्गा का यहां पर मंदिर है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं महावीर मंदिर के पास गौरक्षी में, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं यहां पर महावीर मंदिर के परिसर में और ये आप देख सकते हैं आज मंगलवार का भी दिन है। खैर अभी तो यहाँ पर जो न्यू कोरोना का गाइडलाइन है उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा तो अभी भीड़ नहीं है। तो गाइस अभी मैंने आपको सासाराम में जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे, जैसा कि माता रानी धाम हो गया, पायलट बाबा टेम्पल हो गया और यहाँ का एक त्रिनेत्र गुफा है वो दिखाया। और अभी आप देख ही सकते हैं अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर महावीर स्थान। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर ससराम में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वो सब मैंने आपको दिखलाया, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ससराम में जितने भी छोटे छोटे मंदिर है वो सब भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से। और गाइस अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर है महावीर स्थान, महावीर मंदिर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा का यहाँ पर मंदिर है। गाइस अब हम लोग स्टेशन की तरफ आ चुके हैं और इधर में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहीं पर अभी हम लोग चलने वाले हैं।
तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक शिव मंदिर है, उधर में रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर दो दो शिव मंदिर है, एक वहाँ पर मैंने आपको दिखलाया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो गाइज अब हम लोग बोलिया के पास आ चुके हैं, और बोलिया पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है, अभी तो बंद है यहाँ पर। तो गाइज आज मैंने आपको सातारा में जितने भी मंदिर थे, चाहे वो मंदिर छोटे मंदिर थे चाहे बड़े मंदिर थे, आज मैंने आपको दिखाया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।